आ जाओ दोस्तों, हम लोग चैप्टर को ख़त्म ही कर देते हैं। आ जाओ, द थिप्स स्टोरी वाला चैप्टर को ख़त्म करते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का एक ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग उतरेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाला चैप्टर में। इसको ख़त्म करके फिर देखना होगा बाद में क्या करते हैं। अच्छा, तो हम लोग कल देख रहे थे कि अनिल सुतल था, नींदा रहा था इधर, और इधर हमारे लेखक काम घटाने को देख रहे थे। किसका काम घटाने का? पैसा यार, पैसा चुराएंगे कह रहे थे। हमारे लेखक सोच रहे थे कि अगर मैं इस पैसा को अगर चुरा लेता हूँ तो 10:30 बजे रात को तो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन है ही है, वो 10:30 बजे रात को लखनऊ चल जाएगा, तो उसी में बैठ के मैं भी चल जाऊँगा। यहाँ हमको खोजते रहेगा, हम लखनऊ चल जाएंगे। चुपके चुपके हमारे लेखक इसके पास आ रहे थे। देखते हैं कि अनिल का चेहरा बिल्कुल साफ है, इसका चेहरा में कोई लाइन नहीं है। यार जो गलत काम करता है ना, उसका चेहरा में हमेशा लाइन उन बना रहता है, देखते ही होंगे, ऐसा ऐसा करते रहता है, कुछ कुछ सोचते रहता है। लेकिन इस अनिल का चेहरा में कोई लाइन नहीं था और हमारे लेखक का चेहरा में लाइन बना हुआ था। इधर का का सोचते रहता है आदमी ना, उसका चेहरा में लाइन बनल रहता है। तो ये बिस्तर है मान लो, तो बिस्तर के नीचे ऐसा पैसा रखा हुआ है, तो धीरे धीरे जा रहे हैं पैसा चुराने के लिए, ऐसा धीरे धीरे पैसा निकलाने के लिए वहाँ पर हाथ डाले ना, तो अचानक अनिल करवट बदलता है और चोर की तरफ अपना मुंह कर देता है। बहुत जोर से डरा जाते हैं, यार कि यार ये तो देख लिया, लेकिन नींदा ही था, बस ऐसा ही करवट बदला था, वो नहीं जान रहा था। फटाक से पैसा निकाले और बच्चा कैसे चलता है ऐसे ऐसा चारों हाथ पैर से, तो वैसा ही चलते चलते धीरे धीरे रूम से जैसे तैसे बाहर निकले और रोड में आ गए। एकदम स्पीड से भागने लगे भाई, रोड में एकदम कूदने लगे, दौड़ने लगे एकदम। यार चोर को तो तुम जानते ही हो, पैसा चोरी करने के बाद वो कहाँ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं, तो वो भाग रहा था भाई। वो अपना पैसा को ना कमर के पास रखा था, कमर के पास। कुछ दूर जाने के बाद वो धीरे होता है, कितना दूर भागेगा, थक भी तो जाएगा यार। तो कुछ दूर जाने के बाद थोड़ा स्लो होता है, उसके बाद देखता है पैसा, पैसा को ऐसा पकड़ता है, कितना रुपया है रे? देखता है कि 50-50 का नोट खाली है, सबको गिनता है, 600 रुपया हो गया। वाह, 12 गो नोट 50-50 का था, 600 रुपया। यार उस समय 600 का बहुत कीमत था, ये पहले का बात है, भारत का ही बात है, इंडिया का ही बात है। अब ये अपना प्लान के अनुसार चलता है रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन पहुंचता है। भाई जब आदमी को पैसा मिल जाता है ना, तो थोड़ा ऐंठ कर चलता है, एकदम हीरो जैसा चलने लगा। देखा है कि बगल में टिकट देने वाला खड़ा है, यार टिकट उकट वो नहीं लेता था, आज तक जितना भी ट्रेन में सफ़र किया था ना, एक टिकट भी नहीं लिया था, बस ऐसा ही फ्री में चल जाता था, सब बच जाता था। भयानक आदमी था, कलाकारी चोर था। वो बिल्कुल सटीक समय में पहुँचा था, ट्रेन धीरे धीरे निकल ही रहा था, वो ट्रेन को पकड़ सकता था, लेकिन क्यों नहीं पकड़ा यार, इसका कारण भी थोड़ा देर बाद बताऊंगा, बस धैर्य रखो। वो ट्रेन पकड़ सकता था, लेकिन फिर भी जान के वो ट्रेन को जाने दे दिया और अपने रुक गया। यार जब वो चढ़ने वाला था ना ट्रेन में, तो उसे थोड़ा हेजिटेटिंग फील हुआ। क्यों हेजिटेट हुए ये तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्यों हेजिटेट हुए, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देना। ट्रेन उधर अपना निकल गया, इधर हमारे लेखक पूरे प्लेटफॉर्म में अकेले खड़े थे। उसे अजीब लग रहा था यार, पूरे प्लेटफॉर्म में अकेले खड़ा रहने मन भी नहीं कर रहा था। उसे कुछ पता नहीं था कि रात को मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ, ये सब कुछ पता नहीं था। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि उसका मानना था कि दोस्त हेल्प कम करता है और वो परेशानी में ज़्यादा डाल देता है। भाई चोर लोग के लिए दोस्त सही में ठीक नहीं होता है। एक भी चोर आदमी पकड़ा गया ना, तो यदि उस आदमी को पुलिस पकड़ लिया, तो उसका जितना भी दोस्त है सबको पीट पीट के उसका लोकेशन पता लगा लेगा और सब चोर को पकड़ लेगा। इसलिए ये अपना दोस्त बनाया ही नहीं था, बस अकेले छुट्टा चोरी करता था एकदम। वो होटल में पैसा दे के रुक भी नहीं सकता था, क्यों रुक नहीं सकता था, क्योंकि यार कोई 15 साल का बच्चा कोई होटल मैनेजर को जाके बोले कि यार हमको एक रूम चाहिए, तो वो भी सोचेगा कि ये 15 साल का बच्चा पैसा कहाँ से लाए, क्यों इतना रात में क्या कर रहा है, ये सब चीज़ बोलने लगेगा, पूछने भी लगेगा। इसलिए वो होटल में भी नहीं रुक सकता था, सिर्फ एक ही आदमी को वो सही से जानता था, जिसके घर वो चोरी कर चुका था, मतलब अनिल को ही वो सिर्फ सही से जानता था। उसके बाद क्या करेगा, वो ऐसे ही बाजार की तरफ बढ़ने लगा, जो होगा देखा जाएगा, पैसा तो ही है। अपने पूरे चोरी करने का करियर में वो लोगों का चेहरा पढ़ना सीखा था। वो बताता है कि अपने पढ़ा हुआ
एक्सपीरियंस के आधार पे बताता है कि जो लालची आदमी होता है ना, उसके घर चोरी होता है, कुछ होता है, तो वो डरता बहुत है। जो अमीर आदमी होता है, उसके घर कुछ होता है, चोरी वोरी होता है, तो वो गुस्सा करता है। लेकिन जो गरीब आदमी लोग रहता है ना, उसके घर चोरी वोरी होता है, तो वो स्वीकार लेता है कि यार चलो चोरी हो गया, ये मेरा ही गलती के कारण हुआ है, करके वो स्वीकार कर लेता है। वो ना गुस्सा करता है ना डरता है। लेकिन जब अनिल को चोरी हुआ इसके बारे में पता चलेगा ना, तो उसको बहुत दुख लगेगा। उसको ये बात का दुख नहीं होगा कि उसका पैसा चला गया, उसको ये बात का दुख होगा कि किसी ने उसका भरोसा तोड़ दिया। भरोसा टूटने का दुख उसे होगा। पैसा चोरी हो गया उसका दुख नहीं होगा, भरोसा टूट गया उसका दुख होगा। भाई चोर अनिल के बारे में इतना जानता है, उसका फीलिंग तक बता सकता है। कुछ देर बाद वो अपने आप को एक मैदान में पाया। नवंबर स्टार्ट हो रहा था, नवंबर का महीना स्टार्ट हो रहा था, तो थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लगना चालू हो गया था, और कुछ देर बाद तो थोड़ा थोड़ा बारिश भी होने लगा, जिससे कि उसका ठंडा और बढ़ गया। थोड़ा देर बाद तो हद ही हो गया, जोर से बारिश हो गया एकदम। वो पूरा भींग गया, उसका शर्ट पैंट सब पूरा भींग गया। यार पैसा भी तो भींग गया होगा। हाँ भाई पैसा भी भींग गया होगा। थोड़ी देर बाद हवा भी चलने लगा, जिससे कि उसे बहुत अनकम्फर्ट फील होने लगा। क्या करे, चोरी कर दिया है इसीलिए, नहीं तो उसके घर में एकदम मस्त आराम से रहता, बेवकूफ। उसके बाद वो धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ने लगता है। शहर के बीच में एक क्लॉक टावर था, मतलब घड़ी, बड़ा सा घड़ी रहता है टावर जैसा, तो वहाँ पर उसने टाइम देखा, आधा रात हो चुका था। उसके बाद वो क्लॉक टावर में एक छोटा सा घर था, उसमें जाके बैठ गया। बैठ गया, उसके बाद पैसा का याद आया, अरे यार पैसा, पैसा को निकाला, पूरा पैसा भींग चुका था। उसके बाद वो सोचता है कि अगर मैं ये पैसा को चोरी नहीं करता, ठीक से रात भर सो लेता, तो कल सुबह अनिल मुझे 2-3 रुपया सिनेमा घर में जाके फिल्म देखने के लिए देता। देखो भाई देखो, 2-3 रुपया में सिनेमा घर चले जाते थे लोग उस टाइम। यार आज के महंगाई से तुम कंपेरिजन कर सकते हो कि उस समय 2-3 रुपया कितना बड़ा रुपया था। उसके बाद वो सोचने लगा कि अब मैं अनिल का कोई काम नहीं कर सकता, खाना सब भी नहीं बना सकता, बाजार में घूम भी नहीं सकता। यार सब्जी उब्जी खरीदने समय जाता था तो बाजार में घूम उम लेता था। उसके बाद उसे याद आया कि अरे यार मैं पढ़ना लिखना भी नहीं सीख सकता। अरे भाई क्या हो गया यार, मैं एक सेंटेंस लिखने भी नहीं सीख सकता। सारा सपना चखनाचूर हो गया। ये चोरी करने का चक्कर में तो मैं ये सब भूल ही गया, मैं पढ़ना लिखना भी नहीं सीख सकता। यार इसका क्या सपना था वो मैं अभी बताता हूँ। इसका सपना था कि लोग इसका रिस्पेक्ट करें। बड़ा आदमी बनने का सपना था, चतुर आदमी बनना चाहता था और रिस्पेक्टफुल आदमी बनना चाहता था। और ये सब बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई नहीं करोगे तो यार कैसे तुम बड़ा आदमी बनोगे। चतुर बनने के लिए भी पढ़ना जरूरी होता है। चोरी करने के चक्कर में मैंने क्या क्या गंवा दिया, अनिल मुझे क्या क्या सिखा रहा था। यार मैं तुम्हें और एक बार याद करवाता हूँ। अनिल उसे खाना बनाने सिखाऊंगा बोला था, और अब उसका नाम लिखने सिखाऊंगा बोला था, एक सेंटेंस लिखने सिखाऊंगा बोला था, और एक चीज़ सिखाऊंगा बोला था जिसको मैं पिछले पार्ट में बताना भूल गया था, कि नंबर्स को कैसे जोड़ा जाए, नंबर्स को जोड़ने भी सिखाऊंगा बोला था। इसमें से कुछ चीज़ तो वो सीख ही चुका था होगा, लेकिन आधा चीज़ नहीं सिखाता होगा। यार अभी अनिल उसे क्या क्या नहीं सिखा देता, बेवकूफ़ चोरी करके इतना बड़ा घाटा कर लिया, अब क्या किया जाए, वो सोच में पड़ गया। अब उसे अपना सपना याद था, अपना सपना पूरा करने के लिए वो वापस आ गया। वापस आ गया भाई अनिल के पास, आता है धीरे धीरे। वो सोचता है कि चोरी करना आसान है, लेकिन चोरी करके किसी को बिना जानने दिए पैसा रखना थोड़ा कठिन होता है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है। अनिल सो रहा था, इधर ही मुंह किया हुआ था जिधर पैसा रखा हुआ था, करवट लिया हुआ था, तो आता है धीरे धीरे। जब पैसा रख रहा था ना, तो अनिल का सांस उसके हाथों में आ रहा था। कर रहा था ना उस समय, उसका सांस हाथों में आ रहा था। उसके बाद जैसे तैसे पैसा रखा और भागा यार अपना सोने के लिए। सुबह वो थोड़ा देर से उठा, क्योंकि जानते ही हो रात को क्या काम कर रहा था। सुबह उसने देखा कि अनिल अपना चाय खुद बना लिया था। जब वो अनिल के पास जाता है तो अनिल उसके सामने उंगलियों में नोट को चिपका के अपना हाथ आगे बढ़ाता है। 50 का नोट था। उसके बाद हरि सिंह यानी लेखक सोचता है कि क्या बात है, ये नोट का ही बढ़ा रहा है। अनिल बोलता है कि अब से मैं तुम्हें पैसा दूंगा, अब से जितना भी तुम काम करोगे ना पैसा दूंगा। कल शाम को मुझे पैसा मिला है, अब तुम्हें रेगुलर पे करूंगा पैसा। हमारे लेखक का दिल दहल जाता है। उसने नोट को जब पकड़ा
तो देखा कि नोट गीला था। क्यों गीला था इसका कारण तो तुम जानते ही हो। उसके बाद अनिल बोलता है कि आज हम लोग एक सेंटेंस लिखना सीखेंगे। अनिल उसे सिखाना चालू कर दिया। हमारे लेखक बताते हैं कि अनिल को रात को क्या क्या हुआ ये सब पता था, वो सब जानता था, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में कुछ नहीं बोला और ना कुछ रिएक्शन दिखाया। डेली जैसा रहता था वैसा ही एकदम सिंपल जैसा। उसके बाद हमारे लेखक मुस्कुरा दिए उसके सामने और वो भी मुस्कुरा दिया। उसके बाद हमारे लेखक सुधर गए यार और तुम्हारे सामने उभर के आ गए रस्किन बॉन्ड साहब। आज हम लोग इनकी कहानी पढ़ते हैं। यार वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, मतलब नए चैप्टर में। चलो बाय।